हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूँ। 10th मैथ्स में बहुपद चैप्टर से हम लोग आज पढ़ेंगे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। वैसे हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम ये पढ़ चुके हैं अंकों के लिए, अब हम लोग बहुपदों के लिए पढ़ेंगे। जैसे सपोज़ कर लेते हैं कि पी एक्स ये एक बहुपद है और क्यू एक्स एक ऐसा बहुपद है कि क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब पी एक्स एक बहुपद है, क्यू एक्स एक बहुपद है और क्यू एक्स ये जो बहुपद है यह ज़ीरो के बराबर नहीं है। तब हमको दो ऐसे बहुपद मिल सकते हैं जिन्हें हम नाम दे सकते हैं आर एक्स और एच एक्स, कि हम पी एक्स जो बहुपद है उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि पी एक्स इक्वल्स टू बी क्यू एक्स इंटू आर एक्स और प्लस एच एक्स। अब यहाँ देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से है कि अगर हम पी एक्स जो बहुपद है, इस पी एक्स में अगर हम क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं, पी एक्स में अगर हम क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं और हमारा आर एक्स ये कोशेंट आ जा रहा है और डिवीज़न के बाद जो एच एक्स है ये हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से ये हुआ कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि भाज्य बराबर, भाज्य ये बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और धन शेषफल, शेषफल। अब बिल्कुल यही बात हम समझते हैं कि जैसे यहाँ भाज्य आपका पी एक्स हुआ, भाज्य क्या है जो बीच में हम लोग लिखते हैं, जैसे ये हुआ हमारा भाज्य, भाज्य और जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा हो गया भाजक, भाजक और जो हमारा यहाँ आएगा भाग देने के बाद वैल्यू उसे हम कहते हैं भागफल, और भाग के बाद जो कुछ नीचे शेष बचेगा उसे हम कहते हैं शेषफल। तो क्या होता है, भाजक और भागफल इन दोनों का जो गुणनफल होता है उसमें जब हम शेषफल जोड़ देते हैं तो ये भाज्य के बराबर होता है। यही बात ये बहुपदों पर लागू होता है, यही डिवीज़न एल्गोरिथम ये बहुपदों पर लागू होता है और इसे हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये सीधे सीधे क्या करना है, हमें भाग देना है। अब थोड़ा सा ये जानने की आवश्यकता है कि जो भाज्य होगा उस भाज्य का घात भाजक के घात के बराबर या उससे बड़ा होगा। मतलब पी एक्स का जो घात होगा ये क्यू एक्स के घात से बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मतलब ये अगर बड़ा है तो हम भाग देते हैं। पी एक्स की घात हमेशा क्या होगा कि जो पी एक्स की घात होगी ये बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, जो क्यू एक्स की घात जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी घात छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम लोग कुछ उदाहरण के साथ मतलब भाग देंगे और भाग को समझेंगे कि भाग देने का हम लोग प्रोसीजर भी समझेंगे और किस तरह से भाग दिया जाता है और ये विधि किस तरह से अडॉप्ट हो रहा है, किस तरह से इसका हम अनुपालन कर रहे हैं, इसका हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग एक उदाहरण से एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये समझते हैं। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा।
देखिए, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 14x³ क्या है, 14x³ -5x² +9x -1 +9x और -1। ये एक बहुपद है, को बहुपद 2x -1 से विभाजित कीजिए तथा भागफल और शेषफल भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसे हमें एक हम एग्जांपल ये ले रहे हैं, पहला है हमारा, और 2x -1 से 2x -1 से हमें डिवाइड करना है। तो हमारी समस्या क्या है, जो हमें करना है 14x³ -5x² और +9x -1। इसमें हमें 2x -1 से भाग देना है और इसका भागफल ज्ञात करना है, इसका शेषफल ज्ञात करना है। देखिए, जो अभी हम लोगों ने एल्गोरिथम देखा, क्या होना चाहिए, इसकी घात इसके घात से कम या बराबर होना चाहिए। तो देखिए, हम भाग दे सकते हैं क्योंकि इस बहुपद का घात 3 है और इस बहुपद का घात 1 है। अब भाग देने के लिए हम बहुत सिंपल सा, जैसे हम लोग अंकों का भाग देते हैं, उसी तरह से हम इसमें भी भाग देंगे। अब सबसे पहले देखिए, अंक लेते हैं, ये 2 है और यहाँ 14 है, तो 2 × 14 कितनी बार ये जाएगा, 7 बार। फिर देखिए, यहाँ x है और यहाँ x³ है, तो x³ का मतलब 3 घात, ये देखिए x³ का मतलब ये 3 घात, और इसमें हमें x से अगर भाग देना है तो कितना बार हम ले जाएंगे, 1 घात इसका घट जाएगा, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे 1 घात कम हो गया, कितना हो जाएगा x², इसका मतलब 7x², ये इतनी बार हमको ले जाना है। बहुत ध्यान से एक बार समझिए, एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है हमको, 14 ये था और 2 से पहले डिवाइड हम कर रहे हैं, तो 2 × 14 तो 7 बार जाएगा, ये हमने लिख दिया। और x से हम डिवाइड करेंगे x³ को, तो x³ में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा। अब ये हमको पता हो गया कि 7x² यहाँ लिखना है। अब यहाँ दो पद है, दो पद हमने यहाँ लिया और इससे एक एक पद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस आएगा और एक से मल्टीप्लाई करने पर वही वैल्यू आ जाएगी, तो 7x² हो गया। और 7x² से इस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 ये हो गया 14, और x से और x² में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x³। अब जैसे हम यहाँ घटाते थे भाग में, वैसे बहुपदों के भी भाग में हम घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम लोग चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ प्लस है तो चलिए माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस कर देंगे। मतलब ये हमने चिन्ह बदला है और अब यही चिन्ह प्रभावी होगा। तो आप देखिए, 14x³ और 14x³ ये इसमें से दोनों घटाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा 0 बचेगा। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। विपरीत जब चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस, विपरीत चिन्ह घटते हैं और अधिक वाला जो बहुपद का होगा अंक, जो गुणांक होगा, वही चिन्ह लगेगा। तो ये 7 है, ये 5 है, 7 का ये चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ प्लस लगेगा, और विपरीत चिन्ह होने के कारण घट जाएगा। तो 7 में से 5 आप घटा दो, कितना आएगा, 2, और ये x² ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट समझिएगा कि यहाँ चिन्ह विपरीत होगा, विपरीत चिन्ह घटेंगे, जो अधिक वाला होगा वही चिन्ह यहाँ लगाना है। फिर अगला है हमारा प्लस, ये देखिए 9x है, तो प्लस 9x हम यहाँ उतार लेंगे, ये 9x हमारा उतर गया। अब यही प्रक्रिया फिर हम करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है,
तो इसका मतलब एक ही बार जाएगा, चिन्ह भी देख लेते हैं, यहाँ प्लस है तो हमको प्लस ले जाना चाहिए, और प्लस वन होगा तो हम एक लिखेंगे नहीं, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? सिर्फ एक्स बार ले जाएंगे। चलिए अब एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स से माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये एक्स हो गया, फिर एक्स से टू एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर घटाएंगे, चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, और ये वैल्यू कैंसिल हो गई। अब 9x ये पॉजिटिव, x ये पॉजिटिव, दोनों जुड़ गया, दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तो 9 और 1 यहाँ 10, कितना हो गया 10x, और यहाँ आपका माइनस वन भी है, माइनस वन को यहाँ उतार लेते हैं। अब देखिए फिर वही प्रक्रिया ले जाते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो दोनों प्लस है तो प्लस बार ले जाएंगे, और 2 5 10 तो 5 बार यहाँ ले जाएंगे, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस वन और फाइव, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 5, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, वन और फाइव का मल्टीप्लिकेशन 5, और इस 5 से हम 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो गया, और ये एक्स है तो एक्स हो गया, मतलब 2x में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और कितना हो गया ये 10x हो गया, और फिर हम चिन्ह बदल लेते हैं घटाने के लिए, ये माइनस और ये प्लस, 10x से 10x घट गया, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और प्लस और ये माइनस विपरीत चिन्ह होने के कारण घटेगा, और ये कितना हो गया 4। तो इस तरह से आप देखिए ये जो 7x² प्लस एक्स और प्लस 5 हुआ, ये आपका क्या हो गया भागफल। तो यहाँ हम लिखेंगे भागफल, भागफल ये भागफल हो गया हमारा 7x² प्लस एक्स और प्लस 5, और यहाँ फिर हम लिख देंगे शेषफल, शेषफल कितना हो गया हमारा 4, शेषफल हमारा कितना हुआ 4। तो इस तरह से हम इस भाग की प्रक्रिया को समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको और हम बता के ये और क्लियर करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x और प्लस 1, और इसको x प्लस 2 से भाग देना है, किससे? x प्लस 2 से भाग देना है। तो चलिए x प्लस 2 से इसमें हम भाग देते हैं। सबसे पहले देखिए x प्लस 2 2 है तो x प्लस 2 लेते हैं, और इसमें भी दो पद लेते हैं, 2x² और प्लस 3x लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जाहिर है कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यहाँ x है, यहाँ x² है, तो कितना हो गया x बार जाएगा। तो यहीं से देखते हैं, यहाँ x है और 2x² है, तो कितनी बार जाना चाहिए 2x बार जाना चाहिए। दो पद हमने लिया है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे पद के नीचे रखेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, दोनों प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ आपका प्लस आएगा और 2x है ना, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 और ये x हो गया। अब 2x से x में मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया 2 और x का मल्टीप्लाई हो गया x² घटा लीजिए, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, 2x² माइनस 2x² ये कैंसिल हो गया, ये 4x माइनस है, 3x प्लस है, 4 आपका ज़्यादा है, विपरीत चिन्ह घटेगा, ज़्यादा वाला
चिन्ह लगेगा, तो माइनस हमने चिन्ह लगा दिया, 4 माइनस 3 ये 1, 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ x लिख दिया, और ये प्लस 1 हमने यहाँ उतार लिया। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस बाहर जाएगा, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो 1 लिख देते हैं, एक बार जाएगा, और एक से मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव नहीं होता, माइनस एक से मल्टीप्लाई करने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए माइनस 1 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2, और माइनस 1 और x का मल्टीप्लाई माइनस x, फिर क्या करते हैं चिन्ह बदल देते हैं, घटाएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस था, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस x, ये प्लस x, ये कैंसिल हो गया, और 1 प्लस है और 2 ये भी प्लस है, तो क्या हो गया 3। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसका जो भागफल आया वो कितना हो गया 2x-1, भागफल कितना हुआ 2x-1, और शेषफल कितना हो गया 3, शेषफल हमारा कितना हुआ 3। आइए फिर एक और देखते हैं हम लोग, तीसरा है देखते हैं, बहुपद है हमारा 3x³ + x² + 2x + 5 + 2x और + 5। इसमें हमें भाग देना है 1 + 2x। अब देखिए हमें भाग देना है 1 + 2x और + x², इससे हमें भाग देना, हमने अलग क्यों लिखा थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए जो बहुपद हमारा लिखा हुआ है वो बहुपद घात के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है। हम इसी तरह से जिससे भाग देना है जो हमारा भाजक है उसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हम ऐसे लिख के भाग ना दें, हमें कैसे लिखना होगा x² को पहले लिखना होगा, x² और प्लस 2x और प्लस 1, x² और प्लस 2x और प्लस 1, हमें इस तरह से इसको लिखना होगा। चलिए इस तरह से हमने लिख दिया। अब आगे समझते हैं, तीन पद इसमें हैं, इस बहुपद में जो हमें भाग देना है उसे तीन पद हैं, देखिए x² फिर प्लस 2x और प्लस 1, तो इसमें भी हम तीन पद लेते हैं, कितने पद ले लेते हैं तीन पद लेते हैं। अब पहले पद को देखते हैं, यहाँ x² है यहाँ 3x³ है, कितनी बार जाएगा 3x बार जाएगा, बस ये हमको पता हो गया कैसे, यहाँ 1 था यहाँ 3 था तो 1 × 3 = 3, तीन बार जाना चाहिए, यहाँ x² है यहाँ x³ है तो x बार जाना चाहिए, तो 3x हमको पता लग गया। अब तीन पद लेते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, तीसरे के नीचे लिखते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा और दोनों प्लस है इसलिए आपका 3x होगा, यहाँ भी दोनों प्लस है इसलिए ये पॉजिटिव होगा, 3 × 6 हो गया 6 हो गया, x और x का मल्टीप्लाई हो गया x² हो गया, फिर 3x और x² यहाँ हो गया आपका 3 और ये हो गया x³। अब घटा लेते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, सब पॉजिटिव है सबको निगेटिव हमने लिख दिया, 3x³ - 3x³ ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखते हैं x² पॉजिटिव और -6x² निगेटिव, तो 6 ज़्यादा है माइनस लिख दिया, और 6 - 1 ये हो गया 5, 5x² हो गया, -5x² हो गया, यहाँ भी माइनस ज़्यादा है, आप देखिए -3 है तो माइनस लिखेंगे, और 3 - 2 ये 1 हो गया तो यहाँ x लिख देंगे, यहाँ +5 हमारा है, +5 को उतार लेते हैं। अब फिर देखते हैं x² यहाँ है, यहाँ हमारा -5x², कितनी बार जाना चाहिए -5 बार, तो -5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे x² में तो हमारा क्या हो जाएगा -5x². अब -5 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
वन में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव, टू एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पाँच दुना दस और ये एक्स हो गया, और ये हो गया आपका माइनस फाइव एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर देखते हैं चिन्ह बदल देते हैं, माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये दोनों विपरीत चिन्ह और समान हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, और 10x और माइनस एक्स ये हो गया हमारा 9x, और 5 प्लस और ये भी 5 प्लस, तो 5 और 5 क्या हो गया 10, तो 9x और प्लस 10 ये हो गया हमारा शेषफल, और 3x माइनस 5 ये हो गया हमारा भागफल। तो भागफल और ये शेषफल है। इसे आप फिर ध्यान से एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उससे समझते हैं, और ध्यान से आप देखेंगे ऐसे ही दो तीन आप क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो आइए फिर अगला हम देखते हैं, ये आपका होगा चौथा। चौथा है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 24, और इस बहुपद में हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स प्लस 2 से। और इसमें क्वेश्चन ये भी कहा है कि जो एल्गोरिथम विभाजन नियम है, इस बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम नियम का सत्यापन भी करना है। मतलब ये हुआ कि जो भागफल आएगा उस भागफल और भाजक का गुणनफल और शेषफल को हम जोड़ देंगे तो ये भाज्य के बराबर आना चाहिए। तो यही हम इसमें करेंगे और करके इसकी सत्यता की भी जांच करेंगे, किससे हमें डिवाइड करना है, एक्स प्लस टू से। तो अब तो डिवीज़न आप लोग ज़्यादा समझ चुके हैं, तो आइए आसानी के साथ करते हैं। x है यहाँ, x क्यूब है, कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, दो पद ले लेते हैं, ये प्लस हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया x क्यूब, चलिए घटा लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, x क्यूब हमारा कैंसिल हो गया, और 13x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर घट जाएगा, कितना आएगा 11, 13 ज़्यादा है इसका चिन्ह पॉजिटिव, ये लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अगला उतार लेते हैं, प्लस 32x हमने लिया, यहाँ x है इसलिए कितनी बार जाना चाहिए, प्लस 11x, इतनी बार जाना चाहिए, 11x से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 11 दुना 22 प्लस 22x हो गया, और 11x से x में मल्टीप्लाई करिए, 11x स्क्वायर हो गया। फिर चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, घटा लेते हैं, 2 माइनस 2 ये हो गया 0, क्यों घटाते हैं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, चिन्ह विपरीत है इसलिए घटाएंगे, और 3 माइनस 2 ये हो गया हमारा 1, प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए चिन्ह यही रखा जाएगा, प्लस 24 प्लस 24 ये यहाँ उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 10x है, जाहिर है कि प्लस 10 टाइम्स जाएगा, 10 से इसमें गुणा कर देते हैं, तो 10 दुना 20 ये प्लस हमारा हो गया 20, और 10 से x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10x हो गया, और चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये विपरीत हैं, बराबर हैं, कैंसिल हो गया, ये 24 माइनस 20 जाहिर है कि आपका ये हो गया 4, तो हमारा शेषफल कितना हो गया 4, हमारा भागफल कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 10। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, क्या करना है, भाज्य ये बराबर होना चाहिए भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और धन शेष फल, ठीक है। अब भाज्य हमारा ये लिखा हुआ है, ये आपका भाज्य हो गया भाज्य, और ये हो गया हमारा भाजक भागफल, भागफल हो गया, ये हो गया हमारा भाजक
और ये हमारा जो हो अभी वो हो गया शेष फल। अब हमें क्या आवश्यकता है, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दें और ये जोड़ दें। तो आइए मल्टीप्लाई करके हम यहाँ देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 10, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस 2 से, एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए क्या हम कर रहे हैं, भाजक और भागफल का गुणनफल, और इसमें शेषफल अभी 4 जोड़ेंगे, ये हमारा भाज आ जाना चाहिए तो सत्य है। तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दहम 20, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया 11 दूना 22x, और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2x² हो गया, यहाँ भी प्लस। x से मल्टीप्लाई करिए, ये 10x, x के नीचे लिख दीजिए, ये हो गया 10x, ये पॉजिटिव। x से 11x में मल्टीप्लाई करिए तो 11, ये x² हो गया, और x से x² में मल्टीप्लाई अप्लाई करिए तो x³ हो गया, यहाँ पॉजिटिव। कितना हो गया ये 10, और ये दोनों आप जोड़ लीजिए तो 2 और 1 3, 32x हो गया, और ये आप जोड़ लीजिए तो हो गया 1 और 3, 13x² हो गया, और ये आपका x³ हो गया। क्या करना है हमको, शेषफल इसमें जोड़ देना है, तो +4 हम और जोड़ देंगे। अच्छा एक हम लोग गलती कर रहे हैं, 2 से हमने 10 में मल्टीप्लाई किया तो हमको कितना लिखना चाहिए था, 20, तो यहाँ हमको 20 लिखना चाहिए था। 4 हम ऐड कर दें तो देखिए 4 इसी 20 में ऐड होगा, बाकी हमको ऐसे ही लिख देना है। तो x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 24, तो हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू ये हमारे इस वैल्यू के इक्वल है, इसके x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 24। तो इस तरह से हम जांच करते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम की जांच के लिए हम ये ही प्रोसीजर करते हैं। तो ये था आपका एल्गोरिथम का, आप लिख दीजिएगा, अर्थात ये वैल्यू रखते हुए, और इस तरह से आप दिखा दीजिए और लिखिएगा कि विभाजन एल्गोरिथम जो है ये सत्य। अच्छा देखिए कुछ और क्वेश्चन हैं, एक दो हम और करवाते हैं आपको, एक दो आप कुछ करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ये भी आसान है लेकिन इसमें पद जो है ये कई पद हैं, कई पद से भाग देना है तो थोड़ा सा ध्यान से करना रहेगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा चिन्ह का ध्यान रखते हैं हम लोग, और पद जो भी हैं उतने पद लेकर के काम करते हैं, ध्यान से नियम का अनुपालन करते हुए अगर हम काम करेंगे तो बिल्कुल हमारा सही जाएगा। तो ये हमारा 5वां है मान लीजिए, और करना क्या है कि -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को -x² प्लस x माइनस 1 से भाग दीजिए, भाग भी देना है और सत्यता की जांच भी करनी है। ये अच्छा सवाल है, देखिएगा करना क्या है, -x³ और प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5, जिसमें ही प्लस और माइनस ये हूँ वो उसमें थोड़ी सी सावधानी हमको करनी होगी, और पदों की संख्या ज़्यादा है इसमें भाग देने से के लिए, ये है हमारा -x² और प्लस एक्स और -1, मतलब हमें -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 में -x² प्लस एक्स और -1 से भाग देना है और एल्गोरिथम के सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए सबसे पहले चिन्ह पर ध्यान देते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हमको प्लस टाइम्स ले जाना पड़ेगा, यहाँ x² यहाँ x³, जाहिर है x² आप ले जाइए, x से मल्टीप्लाई करिए, और 1 2 3 पद यहाँ भी ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ माइनस x से इसमें मल्टीप्लाई करिए -1 और x, तो माइनस x हो गया, यहाँ है x
प्लस में और ये भी प्लस एक्स, तो प्लस हो गया आपका एक्स स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका माइनस, और प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स क्यूब। चिन्ह बदल दीजिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। 3x² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2x² माइनस 3x और प्लस एक्स, क्या हम लिखेंगे माइनस 2x। फिर आप प्लस 5 ये उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ 2x², यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, तो जाहिर है माइनस चिन्ह यहाँ लिखेंगे और 2 टाइम्स ले जाएंगे, दो बार ले जाएंगे। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस वन और माइनस 2 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 हो गया। फिर माइनस 2 और प्लस एक्स कितना हो गया माइनस 2x। फिर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और ये 2 है और ये एक्स स्क्वायर है, हमने लिख दिया। चिन्ह बदल लेते हैं घटाने के लिए, ये आपका विपरीत है कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस 2x, ये प्लस 2x है, ये आपका कैंसिल हो गया, और 5 माइनस 2 हमारा हो गया 3। तो ये हमारा क्या हो गया x माइनस 2, ये हो गया हमारा भागफल, और 3 क्या हो गया, ये हमारा हो गया शेषफल। अब सत्यता की जांच हमें करनी है, क्या होना चाहिए, भाज्य आना चाहिए हमारा, तो हम क्या करें, भाजक ये और भागफल, ठीक है, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, यही लेते हैं। तो भाजक हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये हो गया, और इनटू भागफल हमारा हो गया x माइनस 2 लिख दिया, और शेषफल हमारा 3 हो गया। अब यहाँ चाहे ऐसे मल्टीप्लाई अलग अलग करिए, और या तो रफ में आप मल्टीप्लाई करके एक साथ दिखा दीजिए, क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है x माइनस 2 से। चलिए 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 से माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 × 2, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो गया माइनस, ये हो गया 2x माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस, क्या हो गया 2x² इसका मल्टीप्लाई। x से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स, यहाँ x के नीचे लिखेंगे माइनस x, x और x का मल्टीप्लाई x² और प्लस में, तो प्लस x² हो गया, और x और x² माइनस x² से मल्टीप्लाई, तो माइनस x³ हो गया। ये जोड़ लेते हैं 2, ये माइनस 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 हुआ, समान चिन्ह है जुड़ जाएगा, 3x हो गया, प्लस 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 लिखेंगे, ये भी समान चिन्ह है जुड़ेगा, तो 3x² हो गया, और ये हो गया माइनस x³। ये वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, यही हमने मल्टीप्लाई करके प्राप्त किया है। देखिए माइनस x³ प्लस 3x² और माइनस 3x और प्लस, यहाँ हमने प्लस नहीं लिखा, ये प्लस लिख दीजिए, ये प्लस 2 हो गया और प्लस 3, ये हमारा शेषफल था, और ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, और क्या हो गया हमारा माइनस x³ प्लस 3x² और माइनस 3x और प्लस 5, और यही है क्या हमारा, यही आप देखिए, ये है हमारा भाज्य। तो ये हो गया हमारा भाज्य, इसका मतलब ये सत्यता की आपकी जांच हुई। यहाँ लिखते हैं एल्गोरिथम के सत्यता की जांच, तो इसका मतलब कि जो हमने डिवीज़न किया वो सही है और एल्गोरिथम के अनुसार भी सही है। चलिए एक अगला बहुपद होगा हमारा, इसके सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, इसके सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। अब सभी शून्य का हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पीछे के लेक्चर में हम लोग शून्य के बारे में भी पढ़े हैं, तो क्या करना होगा, हमको फैक्टर इसका आना चाहिए, तो शून्य ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानते हैं। अभी तक भाग देना हम लोग सीखे, अब इसका शून्य भी जानेंगे कि शून्य कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं इसको।
ये छठा होगा हमारा, सिक्स है, 2x पावर 4, 2x पावर 4 -3x³ -3x² और +6x और -2। क्या लिखा हुआ है एक बहुपद? बहुपद लिखा हुआ है 2x पावर 4 -3x³ -3x² और +6x और -2। इसके क्या करने हैं? इसके सभी शून्यक ज्ञात करने हैं। यदि आपको इसके दो शून्यक, इसमें दो शून्यक आपको √2 और -√2 ज्ञात हों, तो आप देखिए कि इस बहुपद में घात कितने हैं? 4। तो इसके दो शून्यक कौन कौन से हैं? दो शून्यक आपके √2 हैं और -√2 हैं। मतलब दो शून्यक आपको मालूम हो गए, एक √2 हो गया और एक -√2 हो गया। अब दो शून्यक हमको मालूम हो गए, अब हमें बहुपद के बाकी दो शून्यक ज्ञात करने हैं, क्योंकि इसमें कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे, क्योंकि घात 4 है, तो दो शून्यक ज्ञात करने हैं हमको। अब देखिए, जो ये दो शून्यक हैं, इन दोनों शून्यक से एक बहुपद आप प्राप्त करिए, ठीक है? जो बहुपद होगा वो क्या होगा? x-√2 और x+√2। कैसे हमने इसको प्राप्त किया? ये जो बहुपद होगा, ये वो बहुपद होगा जिससे हम भाग देंगे तो एक दूसरा बहुपद हमें प्राप्त होगा, और उन दोनों बहुपदों का गुणनफल ये इसके बराबर होना चाहिए। इसमें शेषफल नहीं आएगा, शेषफल शून्य आना चाहिए, तभी हमको शून्यक प्राप्त होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस √2 के लिए एक व्यंजक लिखते हैं, x-√2 माइनस करके और इसको लिख देते हैं, और -√2 है तो x-√2 माइनस माइनस प्लस हो गया। a+b और a-b का सूत्र लगा देते हैं, ये क्या हो गया? a² - b² तो a² x² हो गया, और -b² √2 का स्क्वायर हो गया 2। कितना हो गया? x² - 2। बहुत सिंपल सा हमें काम करना है, शून्यक से प्राप्त ये जो बहुपद है x² - 2, इससे हम भाग दे दें किसमें? जो हमको व्यंजक दिया गया है, 2x पावर 4 -3x³ -3x² और +6x और -2। ये हमारा हो गया -2। ये बड़ा सवाल है थोड़ा सा, और ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल होगा ये। तो इसको हम भाग देते हैं, अब जो हमको बहुपद मिलेगा उससे हम दो क्या प्राप्त करेंगे? शून्यक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम भाग देते हैं, x² यहाँ है, यहाँ 2x³ है, दो पद लेते हैं और भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? 2x² कितनी बार जाएगा? 2x² मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 × 2 = 4x² हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 2x² x² का मल्टीप्लाई x पावर 4। चिन्ह बदल लेते हैं, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये दोनों विपरीत चिन्ह होने के कारण कैंसिल हो गया। देखिए, इनके घात अलग अलग हैं इसलिए ये जुड़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे हम? यहाँ हमने लिख दिया 3x³, ये ऐसे ही हमने लिख देना होगा, -3x³। अब अगला देखते हैं कि जैसे हम यहाँ लिखेंगे +4x² और अगला जब उतारेंगे तो ये -3x² ये उतारेंगे, मतलब हमें हल क्या करना है, 4x² ये पॉजिटिव में 4x² और -3x² ये नेगेटिव में, इसको भी साथ ले लें, तो इन दोनों को जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x² 4 में से 3 निकल गया तो खाली एक बचा, तो 1x² मतलब x² हम सिर्फ लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ, और वो भी किसमें? पॉजिटिव में, पॉजिटिव आपका ज़्यादा है तो प्लस हम यहाँ x² लिखेंगे, और ये वैल्यू आप इसको जरूर समझिए,
है ना, ये सब समझने वाली चीज़ है। हमने क्या किया है, इन दोनों को हल कर लिया, क्योंकि अगला हम स्टेप उतारेंगे तो यहाँ एक साथ ही कर लेते हैं। 4x² और -3x² कितना हो गया, घटाने पर आपका 1 आया, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये आपका x² हो गया। दो पद है, अब हम लोग इसको फिर भाग देते हैं, ये जरूर समझिए। x³ है यहाँ, तो भाग देंगे, सबसे पहले तो चिन्ह देखते हैं, माइनस टाइम्स जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 टाइम्स जाएगा, और x³ यहाँ है, वहाँ x² है, तो -3x जाएगा। गुणा कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, ये x हो गया, यहाँ से खाली x आएगा। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या हो गया, माइनस आ गया और 3 हो गया, x और x² का मल्टीप्लाई x³ हो गया। चलिए चिन्ह बदल लेते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। फिर यहाँ जैसे पहले किए थे वैसे ही करेंगे, ये x² उतार लेंगे, यहाँ -6x, ये देखिए हमारा -6x यहाँ से है, और यहाँ से है हमारा +6x, तो ये दोनों हमारे कैंसिल होकर के शून्य हो गए, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू उतारेंगे, अगला स्टेप करेंगे तो हम एक साथ भी यहाँ कर सकते हैं कि ये हमारा शून्य हो गया। अब ये वैल्यू आप करने पर ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, -2 सीधे उतार लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, x² - 2 हम एक साथ ही कर लेते हैं, तो x² - 2 हमारा कितनी बार गया, +1 times, ये हो गया x² - 2, चिन्ह बदल लेते हैं और ये कैंसिल हो गया, आपका शेषफल कितना आ गया, शून्य, शेषफल हमारा शून्य। अब जो आपका भागफल आया, भागफल का जो बहुपद आया, इसी से हमें दो अन्य शून्यक प्राप्त होंगे। कैसे शून्यक प्राप्त होंगे, इसके हम गुणनखंड करें, इसके 2x² - 3x और +1, इसके गुणनखंड करें। इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया 2, और 2 और 1 का जो योग करेंगे ये 3 होगा, तो हम इस 3 को -3 को तोड़ दें, कैसे, 2x² - 2x और -x और +1, हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, -2x - x - 3x हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस का प्लस, और ये हो गया 2x² और इनका इनका मल्टीप्लाई, ये भी 2x² मतलब सही है। इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है, 2x, 2x हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा x बचा, यहाँ से हमारा -1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, इस दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो हम -1 कॉमन लेते हैं, माइनस इसलिए क्योंकि x हमारा पॉजिटिव आ जाए, तो x माइनस ये 1 हो गया, और x - 1 हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए दोनों जगह है x - 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2x बचा, ये 2x हमने लिख दिया, यहाँ से -1 बचा, यहाँ से हमने -1 लिख दिया, हमको दो गुणनखंड मिले, जो बहुपद 2x² - 3x + 1 था, इसके दो गुणनखंड मिले, कौन कौन से, x - 1 और 2x - 1। अब इससे हमें क्या प्राप्त करना है, शून्यक, तो हम शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं, x - 1 को 0 करेंगे और यहाँ से प्राप्त करेंगे x = 1, एक शून्यक हमें ये मिल गया, और 2x - 1 इसको 0 लिखेंगे और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 2x, इसको जब हम हल करेंगे तो ये 2x - 1 ये बराबर 0 है, तो 2x बराबर हम 1 लिखेंगे और x बराबर क्या होगा, 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ से हमको x बराबर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो हमें जो दो शून्यक प्राप्त हुए वो कौन कौन से हुए, एक 1 हुआ और एक हो गया 1/2। तो बहुपद के सभी शून्यक, लास्ट में लिख देते हैं, बहुपद के सभी शून्यक, दो शून्यक हमको पहले से ही दिया गया था, ये लिखे हुए हैं, कौन कौन से, √2 और -√2, और दो शून्यक हमने प्राप्त किए, एक 1 है और एक 1/2 है।
तो चार घात था और इस तरह से हमको ये चार शून्यक प्राप्त हो गए। चलिए अगला देखते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आपको देते हैं, नहीं फिर आपको अगला ये करके फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। एक बहुपद दिया गया है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। लिखते हैं x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, 2x3 है, एक मिनट, 2x3 प्लस 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, प्लस 12x और प्लस 18। एक बार चक्कर लेते हैं, x पावर 4 प्लस 2x3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 18 को बहुपद x² प्लस 5 से विभाजित करने पर, इसे विभाजित किया गया, किससे ये विभाजित किया जा रहा है, x² प्लस 5 से, x² प्लस 5 से विभाजित किया जा रहा है। और विभाजित करने पर शेषफल ax प्लस b प्राप्त होता है। विभाजित करने पर शेषफल, जो भी आप विभाजित करेंगे तो यहाँ जो शेषफल आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है, ax प्लस b, मतलब यहाँ हम लिख दे रहे हैं शेषफल ये प्राप्त होता है ax प्लस b, ये हमें शेषफल प्राप्त होता है। सवाल ये कह रहा है कि a तथा b के मान बताओ। तो वेरी सिंपल है, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कराता हूँ और इसे आप स्वयं करिएगा और चेक करिएगा। ये डिवीज़न आप कर सकते हैं, डिवीज़न में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो यहाँ वैल्यू आएगी वो है आपका x² प्लस 2x और प्लस 3, और ये जो प्रोसीजर यहाँ आएगा ये आप स्वयं प्रोसीजर करें, और करने के बाद आप देखेंगे कि जो शेषफल आपका आ रहा है ये 2x प्लस 3 आ रहा है। अब इस जो शेषफल आपको दिया गया है ए एक्स प्लस बी, इस ए एक्स प्लस बी की तुलना 2x प्लस 3 से करिए, और एक्स के गुणांक यहाँ ए है और यहाँ एक्स का गुणांक 2 है, तो आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 2, ऐसे बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आप बिल्कुल डिवीज़न जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से करिए। दो ही पदों का डिवीज़न है, बहुत आसान है, और ये डिवीज़न करने के बाद जो शेषफल आए उस शेषफल को आप तुलना कर दीजिए, उनके गुणांकों की तुलना कीजिए, एक्स के गुणांक की तुलना करिए, तो यहाँ ए है और यहाँ 2 है, ए की वैल्यू 2 आप आराम से लिख दीजिए, और जो कांस्टेंट है वो बी है, यहाँ कांस्टेंट आपका प्लस 3 है, तो बी की वैल्यू आपकी ये 3 हो गई। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 8वां है आपका, ये आप स्वयं कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आठवां है, बहुपद x पावर 4 प्लस 2x3, x पावर 4 प्लस 2x3 माइनस 13x² माइनस 13x² माइनस 12x प्लस 21 माइनस 12x और प्लस 21। एक बार चेक कर लेते हैं, x पावर 4 प्लस 2x3 माइनस 13x² माइनस 12x और प्लस 21। इस बहुपद को x² माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड करना है, किससे, x² माइनस 4x प्लस 3, इसमें तीन पद हैं, प्लस भी है माइनस भी है, थोड़ी सावधानी से करनी होगी, x² माइनस 4x प्लस 3 से विभाजित कीजिए। विभाजित
करना है, आपको भागफल कितना आएगा ये बताना है और शेषफल कितना आएगा ये बताना है। तो चलिए इसको सावधानी के साथ हम लोग कर ही लेते हैं। देखिए क्या है, तीन पद आप लेंगे, कितने पद, ये तीनों पद ले लीजिए, एक दो तीन, तीन पद यहाँ भी हैं और एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स पावर 4 है, कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, बहुत आसानी से हम जान सकते हैं, और एक्स स्क्वायर बार इसको ले जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई सब देखिए क्रम से लिखा हुआ है, घटते हुए घात के क्रम में, तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका हो गया प्लस प्लस 3x² और यहाँ हो गया माइनस 4x³, है ना, x³ हो गया, और x² से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, x⁴ हो गया। आसानी समझ सकते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं, ये हो गया हमारा, ये आपके विपरीत हैं, कैंसिल हो गए, ये दोनों देखिए जुड़ गए, 4 और 2, ये हो गया हमारा 6x³, और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये भी दोनों जुड़ गए, 13 और 3 हो गया 16x² और अगला पद हम लोग उतार लेते हैं, -12x। देखिए प्रोसीजर जैसे भी होगा हम वैसे ही करते जाएंगे, उसमें कोई जुड़ रहा है कोई घट रहा है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि हमको घटा घटा के कमी कर देना है, नहीं, अगर दोनों का चिन्ह समान है तो वो जुड़ेगा तो हम उसको जोड़ लेंगे, इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। अब फिर हम देखते हैं, ये पद आपका है 6x³, कितना है 6x³, और यहाँ है x², तो कितनी बार जाना चाहिए, एक तो हो गया चिन्ह आपका प्लस, ये 6 हो गया, x² है, यहाँ x³ है, तो x हो गया। अब प्लस 6x से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 3 6 18, पॉजिटिव में 18x हो गया, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, ये 6 वो 4, 6 चौक 24 हो गया, कितना, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई x² और ये हो गया 6x² एक्स का मल्टीप्लाई x³। क्या करें, चिन्ह बदल दें, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ चिन्ह विपरीत है तो घटाएंगे, ज़्यादा वाला चिन्ह लगाएंगे भी, पॉजिटिव घटा दीजिए, 14 में से 6 गए 8, 24 में से 16 निकाल दीजिए, तो 16 4 20 4 24, ये x² हो गया, माइनस और माइनस ये जुड़ेंगे, माइनस चिन्ह लगेगा, 18 2 20 10 30, ये हो गया आपका 30x। अभी एक पद आपका और बचा हुआ है, कौन सा है, ये +21, ये +21 उतार लीजिए, 8x² है, यहाँ x² है, जाहिर है कि +8 टाइम्स हम ले जाएंगे, और +8 से इस 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, +8 3 24 हो गया, +8 और -4, माइनस चिन्ह आएगा, 8 चौक 32x हो गया, और 8x² यहाँ हो गया, चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, विपरीत हैं बराबर हैं, कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है घटेगा, 32 में से 30 निकाल दीजिए, 2 आया पॉजिटिव में, 2x हो गया, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, और 24 में से 21 निकाल दीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसमें जो हमारा भागफल आया वो भागफल कितना होगा, भागफल हो गया हमारा 2x² + 6x + 8 सॉरी 2 नहीं है x² x² + 6x और +8, और जो शेषफल हमारा आया, शेषफल जो आया ये कितना हो गया, ये शेषफल है हमारा 2x - 3। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ भाग देना था, भागफल और शेषफल निकालना था। तो मुझे आशा है कि इस तरह से अगर आप नियम का पालन करते हुए बहुपदों में भाग देंगे तो बहुत आसानी के साथ आप भाग सीख सकते हैं, इनको आप अभ्यास करें और इस तरह के अन्य प्रश्नों को आप हल करें, एक्सरसाइज जो भी आपके पास हो वो हल करें, कुछ एक्सरसाइज हम आपको दे देंगे और फिर इसके बाद आगे हम लोग जब इनको आप
लगा करके अभ्यास कर लीजिए, तो फिर आगे हम एक त्रिघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध बताएंगे। द्विघात के संबंध हम सीख चुके हैं, तो त्रिघात में हम संबंध बताएंगे। तब तक ये आप बहुपदों के भाग को दे करके और निपुण हो जाइए। धन्यवाद।